सेम शो एंड वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूँ अनम शेख आपके साथ। तो दोस्तों आज हमारे साथ है सुरों के सुल्तान यानी कि स्टार बॉय LOC और दूसरे हैं सिंगर और एक्टर सुयश राय और तीसरी का तो क्या कहना, इनकी एनर्जी से लोग इन्हें जानते हैं बेन। तो इन तीन तिगड़ियों ने मचाया है धमाल। इनका रिसेंटली हुआ यूट्यूब पे एक सॉन्ग लॉन्च जिसका नाम है बॉब माले। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सो बेन आप बताइए इस सॉन्ग के बारे में। पहली बात तो मैं बहुत हॉट लग रही हूँ, मैं कहना चाहती हूँ सॉन्ग में। थैंक यू गाइस। जोक्स अबाउट, मतलब मैं हॉट लग रही हूँ, ये सॉन्ग तुम लोग ने बनाया है, तेरे हॉट लगने के लिए हमने एक सॉन्ग बनाया। वाह मेरे प्यारी। तो ये बात है, नंबर वन जोक्स अबाउट दीस गाइस, मेक अ सॉलिड टीम यार। मतलब द मोमेंट आई हर्ड द सॉन्ग, फैजल मेड मी हियर द डायरेक्टर सुयश सर की कंप्लीटली तेरा वाइब, एंड आई कॉल्ड हिम बैक एंड आई वाज लाइक हां मेरा ही वाइब है, यू नो। सो द एनर्जी, द वाइल्डनेस, द रॉ मैडनेस दैट द एंटायर सॉन्ग कैरीज ना, वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा मजा आता है ऐसे सॉन्ग्स शूट करने में, गाने में, आई एम श्योर। सो या आई मीन द एंटायर सीरीज इज फैबुलस एंड इट्स डूइंग एक्सट्रीमली वेल, सो टच वुड। और इस सॉन्ग में आपके डांस मूव्स काफी, प्लीज इंट्रोड्यूस देम टू दिव्या। And also Divya is also part of the song. Divya ये है, हमने जगह छोड़ी है उसकी। Divya अगर आप देख रही हैं तो ये माला आपकी एब्सेंस को पूरा कर रही है और हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे। आप नागपुर में अपने इवेंट के लिए आप अच्छे से करिए और आप यहाँ बैठी हैं, देख लीजिए माला थोड़ी जगह रखना, हाँ आ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में? यार पता क्या होता है, दीदी जी आप मुझे इतनी तकलीफ ना करें प्लीज, कोई बात नहीं। क्या होता है कि मैं और LOC बात कर रही थी कि जब कुछ बड़ा बनता है ना तो पता होता है आपको, आपने बड़ा बना दिया है जी। वो बड़ा वक्त के साथ हो जाएगा जब होना होगा उसमें, बट वो बड़ा है, आपको पता है बड़ा है। सो ये वो चीज़ है हमारे लिए। मेरी सिर्फ आवाज़ है इस गाने में, फ्रेंकली बोलूँ तो, बट सारा क्रेडिट A to Z गोज टू LOC एंड जेनी, बिकॉज ये राइटिंग और ये म्यूजिक अगर नहीं है इस गाने में, मतलब थोड़ा भी वीक होता तो गाना कुछ था ही नहीं। इट्स प्योरली द, और ये इट्स अ टीम वर्क, जैसे स्टोरी गाना कैसे बना है ये आपको डेफिनेटली भी LOC बताएगा, बट 15 मिनट में ये गाना बना है और ये रिजल्ट है आपके सामने। सो आई थिंक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, लॉन्ग वे टू गो फॉर हिम ऑल्सो एंड जेमी ऑल्सो, बट अब तो बाप गाना बन गया है, दिख ही रहा है जो। या आई थिंक लोकेश कुमार इज अ फैबुलस जॉब। हु? लोकेश कुमार। नो, लोकेश राइट्स अदर सॉन्ग, LOC राइट्स डिफरेंट पीपल यार। तुम्हारा नाम सुन के ना मुझे और प्यार लोकेशन इससे याद है, लोकेशन की बात करें तो बॉम्बे के अंदर शूट हुआ है ना, टोबैको फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड नहीं थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, और हमें पता हमने शूट कैसे करा, बहन भी थी इसलिए थोड़ी हॉटनेस ज्यादा, बहन ने तो ज्यादा ज्यादा फैला दी थी थोड़ी, मतलब इसके आने से पहले तो कम थी। हाँ, ऐसा बोल लेते हैं, इतनी खुशी, ऐसा बोल लेते हैं एक बार, ऐसा बोल लेट्स टेक इट लाइक दिस। जब ये आई तो थोड़ी बढ़ गई, थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई थी, थोड़ी सी, आई थिंक वो इसी खराब हो गया था, एक दो गर्म हवा मारने लग गया था तो भी गर्मी लगी आप लोग, बिल्कुल। बट आई थिंक मैं बताता हूँ एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा, जब मैं उस गर्मी में सब कुछ कर करा के वापस वैनिटी में बैठ के वापस आया, फिर गर्मी में मेरा अगला शॉट था, तो आते ही ना बैन का पहला शॉट अभी हुआ ही था और फैजल भाई ने बोला आओ तुम्हारी सांसें रुकवाता हूँ, और मेरे को LOC को बैठा के इसका पूरा शॉट दिखाया ना, वापस 1 मिनट के शॉट में ना इसका फेस कुछ 40 सेकंड बाद दिखा था, और सिर्फ बैक का शॉट था, कैमरा फॉलो कर रहा था, वॉक और सिर्फ वॉक थी, वॉक थी और शॉट थे ब्यूटी शॉट बैक का। Yeah, like the ass back. So, who is the motivation? Tha? You know, you always need something to pump you up. How? Yeah, baby. How was that pumping us? Now, tell me one thing. Honestly, aapne shot dekha? Aapne shot dekha? Ji, bilkul dekha. Aap log garmi mein wapas aaye, or when you're in the vanity, you know, AC and all, again, you have to come back and shoot. Yeah. So, देखा,
Wow, man, come on, let's do it, man. I'm gonna kill this video, man. Do we have this anywhere on camera? But no, but on a very serious one. That was that definitely motivated us on a very serious one because हमने मैंने मैंने उसको आके बोला मैंने कहा भाई अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम लोग दिखेंगे क्या वीडियो में तो इसलिए भाई करना पड़ेगा let's do it इसने खुद बोला था उसके अंदर actually and this is the truth you know अगर दिव्या की बात करें तो उनके साथ कमी लग गया तुम लोग अगर दिव्या की बात करें तो आपके और उनकी बॉन्डिंग कैसे थी सेट्स पर ऑनेस्टली सेट पे हम साथ में शूट नहीं कर रहे थे तो वी डिड नॉट गेट टू टॉक मच बिकॉज उसकी शॉट्स अलग थे मेरे अलग थे यू नो आइदर आई वाज विद देम अलोन और दिव्या वाज विद देम अलोन तो हमने ज्यादा बातचीत नहीं की बिकॉज वी वर नॉट टुगेदर शूटिंग एट ऑल But जब we start promotions and all, तब you know we were always together, yeah. साथ में dance करना और ना, so then I think promotion के time पे हमारी ज़्यादा bonding. पहले थी और अब वापस बीच में we lost touch. You know अगर हम बात करें lyrics की तो इसका you know आगाज किस तरीके से हुआ था? आगाज क्या हो रहा था? तो ये स्लैंग सिर्फ ये आइडिया था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है कि बॉब मारले होना हमारे अब इसके सौ मतलब निकलते हैं डबल मीनिंग निकलता है ये होता तो वी वर जस्ट गोइंग टू द स्टूडियो नियर बैक जेबी तो बनाते सिर्फ और कोई नहीं था स्टूडियो के अंदर तो सिर्फ हमारे पास एक टॉपिक था कि हाँ ये चीज़ है इस पर कुछ बनाना है तो जेबी लग गया अपनी ट्रिपी बीट्स के ऊपर और मैं लग गया लिरिक्स के ऊपर तो सिंक्रनाइज करते गए और विद इन 15 मिनट्स ये गाना कंप्लीट हो गया था ज़्यादा टाइम नहीं लगा और फटाफट डब करा डब करते ही हमने कम से कम दो तीन सौ हमारे कम से कम नाचे इस गाने पर पहले डब करने का अपने आप खुद ही नाच लिया स्टूडियो बंद करा और कि क्या हो रहा है हाँ ठीक है इट्स रियली गुड उसके बाद ब्लैंक हो गया मैं चला गया दिल्ली ये चंडीगढ़ में बना रहा गाना फिर मैं दिल्ली चला गया फिर मैं एक और गाना डब करने 3 महीने के बाद जाता हूँ चंडीगढ़ तो मैं जीवित से पूछता हूँ भाई गाने का कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा बना रहे हो बन चुका है कंप्लीट है या नहीं है तो मतलब ही जस्ट गिव मी द सरप्राइज उसने बताया नहीं वो आया स्टूडियो के अंदर मैं कहीं और किसी और स्टूडियो में बैठा था स्केल पाजी के स्टूडियो में बैठा था हम कोई और गाना बना चुके थे तब तक और मैं उसको वो गाना सुना रहा भाई ये गाना सुन अभी अभी बनाया जस्ट अभी आधे घंटे पहले बनाया भाई गाना सुन मेरी बुकिंग मेरा आधे घंटे वाले मैंने भाई गाना सुन और उसने गाना सुना हाँ ठीक है मैंने कहा चलेगा क्या मैंने भाई बिल्कुल चलेगा तो मैंने कहा कि अपने का क्या हो रहा है कुछ हो रहा है सुनाता हूँ दो मिनट रुको ही जस्ट गिव मी द सरप्राइज ने मेल ओपन करा चलाया और उसके बाद फिर मैं 200-300 बारी नाचा उस गाने पर किसी और के स्टूडियो में उसके बाद ऐसा लग गया था कि हाँ अब पंप है अब कोई नहीं रोक सकता है इस गाने को उसके बाद फिर हम फैजल भाई से मिले फैजल भाई के लिए मतलब शूटिंग के लिए हमने ट्रैक दिया कि हाँ भाई शूट कराना है तो भाई लव द ट्रैक भाई ने बोला मैं मीटिंग करने खुद आ रहा हूँ भाई आया दिल्ली भाई ने गाना हक से मांगा और हमने हक से दिया भाई इज़ रियली नाइस बहुत हम्बल है भाई ने फिर सुरेश भाई से इंट्रोड्यूस कराया कि हाँ एक एक सुरेश राय नाम का बंदा है प्राणी है जो आपकी ज़िंदगी में पाएगा ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और भाई इज़ रियली बड़ा भाई है भाई से मिला भाई ने म्यूजिक के अलावा जब बॉन्ड होता है जब रिलेशन बन जाते हैं उसके बाद फिर
नथिंग एल्स रियली मैटर्स सो भगवान ने चाहा तो हजार गाने और साथ में करेंगे बट फॉर माय यारी दोस्ती और भाई की सबसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वेल मेरे ने आपने म्यूजिक लिए पे ट्रेंड बना दिया है इस सॉन्ग को लेकर तो उसके बारे में बताइए थैंक यू हां मैंने वो हैशटैग डांस ऑन बॉब माय गॉड तो एक्चुअली आई आल गिव दिस टेल इट टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स प्रियांक ने मुझे ये गाना भेजा एंड मैंने हम सबको यू नो फ्रेंड्स को बोलते हैं प्रमोशन के लिए वीडियो कर दो यू नो वॉच दिस सॉन्ग गाइस लवली एक्सेट्रा एक्सेट्रा ही डिड समथिंग रियली डिफरेंट यू नो ही डांस्ड ऑन द सॉन्ग और जो वो की दिल ला मी वो कार वाला जो सीन करते हैं लोग आजकल तो उसने ये गाने भी किया एंड नाउ टू नोबडी सरप्राइज इट्स डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग बिकॉज़ द सॉन्ग इज अमेजिंग तो जो बीट पकड़ते हैं ना लोग फिर सबको करना होता है कि मैं भी ये करूंगा यार ये अच्छा वीडियो मैं So everybody tarah dar video send kar rahe hain group pe aa rahe hain video so yeah it's crazy I mean it's doing well every morning hum log uthte hain hum dekhte hain ki yaar hum to net pe hum log yes na ki youtube pe itna maine youtube pe use hi nahi kiya hua is to maine youtube pe so that's it okay agar aap thoda thoda suna de gaana to audience ke liye excited marathi accent ke sath wo jo beech mein aata hai लास्ट लाइन है वो मैं सिंगर बाथरूम सिंगर हां सिंगर 1 2 3 गो जे दबाई है ये मसाले किसने बनाई है चेक चेक जे दबाई है ये मसाले किसने बनाई है तो कश्मीर रे 500 की पुड़िया के लगा पता बीच के बिच्छू ने गेम बिछाई है कराटो चंद तो आगे नजारे जितने नशेड़ी हम सबको बुला रहे रेडी वाला बर्गर भी मिल बाटे खा रहे मेरी माँ थोड़ा सा माल बचा रहे क्यों बहुत माल है हम हमारे ये मैं बैठ जाती हूँ ये हमने ना एक्चुअली बताया था हमने जो बनाया हम लोग का गाना बन के यू नो रेडी हुआ अभी थोड़े दिन पहले की बात है सो आई वाज जस्ट किसी फ्रेंड को गाड़ी में सुना रहा था गाना आई डोंट रिमेंबर दैट उतनी कौन आई डोंट आई थिंक किसी पार्टी में हम वापस जाते थे थोड़े वो उसने बंदे ने बोला कि यार डू रियलाइज इन यू नो इन अ मंथ और टू गणपति आने वाला है देन आई रियलाइज बिकॉज़ इट हैज दैट यू नो गुड वाइब है इसकी ट्यून भी सेम है गणपति का यू नो गणपति फील है इसमें और वो भोले शंकर का नाम आ गया आई थिंक इतना डांसिंग ट्रिपी नंबर है I think for us वो हो गया actual victory जब यहाँ से probably खड़े होकर नीचे देख रहे होंगे नीचे सबसे बड़ा नाम होगा आज का I think that is the day इस गाने का बनना सफल आगाज था सफल से जहन में रहेगा लोग अरे वाह हम एक rapid fire round खेलते हैं अच्छा हो गया सबको अपने अपने answer देने one by one खर्चा ना होता But luckily I'm still I am a VJ. Yeah. So
या सिंगर? I think all. Mancha challenge. All the above. Chick, chick, chick. Can do everything. Chick, chick, chick. What if you will Lalu Prasad Yadav? Lalu Prasad. I would not want to be. Just thinking. I would cut my hair. I would get myself a better haircut. What if you? No, but also I wanted you to see eating chara. Not that he does, but I'm saying had you been, so tu khari thi. क्या चारा मन्नत बैन इज द न्यू नेम और शाहरुख या फिर पेन ऑफ
और मैं शिव को लाती मैं शाहरुख को लाती बैंडर ये मैं शाहरुख को मैं दुबई शिफ्ट हो जाती हूँ उसको बहुत अच्छा घर होगा और जो भी शाहरुख की जो फेम है पैसा है वो सब बैंकों में जब सोचने में आता है ना यू नो थॉट ऑफ एनीवन एल्स बट यू तुम्हें उनको आ रहा है सुयश प्रियंका चोपड़ा यस वो बहुत कूल है और मैं भी बहुत कूल यू नो तो बहुत अच्छा फिर निक किसको लेते हैं निक जोन्स नहीं वो अभी मैंने सोचा नहीं है वो मैं चेंज कर देती हूँ सब कुछ अगर मुझे कोई और पसंद ना गुड फॉर हर आई एम गुड फॉर निक पर अभी अभी मैं बनी हूँ ना प्रियंका चोपड़ा पहले से जर्नी स्टार्ट कर वाह वाह नाइस ब्यूटीफुल नाइस आंसर नाइस आंसर वाह I think, but it's very stupid. अभी मेरे को मालूम है biggest like she said. सोचते नहीं हैं जब सोचा तो भाई दिल्ली वाली डील लॉक कर लो. लिए ही तो सिग्नल. Sorry. तो भी क्या हुआ? नहीं यहाँ सब just thinking it's a very big thing, but I really hope he's a very dear friend. I think if that happens, so that happens, then I'll know. I just want to know. अच्छा. He's today or he's an elder brother. He's a very dear friend. Always you know get his support. So he's someone because I see, you know, he acts, he sings. Yeah. You know, he's been a cricketer as well. We played cricket together also, you know. Yeah. 15 years back I've seen him, he's an elder. So I think once Ayushman Bhaiya is there, you know, and then probably something like that. Yeah. But I really, really admire him, so probably I should. Finally, fans ko kya karna chahenge song ke bare mein. Ek second, unko questions aap poochho. Yehi to sahi, yehi to sahi. Yehi kya baat hui? उनको भी थोड़ा सोचिए अच्छा ठीक है व्हाट यू वर अ सीएम आंसर फॉर बी लोकेशन मैंने तो बोल दिया ना अरे वाला डेढ़ साल एक नंबर ट्रेंडिंग पे रहेगा सारे youtube से गाने आ सारे से भी सिर्फ यही और दूसरा व्हाट लाला बाजार याद है कम ऑन डू इट एक एक्टिंग आप करो हां कम ऑन कम ऑन हां वो क्या कम एक्टिंग ये मेरे भाई करता अच्छी करता है लल्लू नहीं हूं मैं लल्लू नहीं हूं भाई हे हे व्हाट इफ यू वर नॉट अ सिंगर अच्छा वो फिर ये मेरे तो इसका आंसर रेडी है तीन चार ऑप्शन है बस आप अपने आप से नौ से छह वाली नौकरी करवाओ तो किसी कंपनी में मैनेजर हो यही कर रहा था तीन साल पहले क्या बोल रहा है जब तक वो लोकेश था जब तक लोकेश था मेरा यहाँ से बड़ा फेस था अब वो उसी वो ओम शांति में बोलते हैं ना पहली बार तो अपना नाम चाहिए ओम कबूल आई वैसा वाले बोल रहे थे आई थिंक वो बिल भी नहीं बोला वैसे हाइपोथेटिकल है Bradley is a fast bowler. I was a fast bowler, and he also plays guitar and he's a singer. So I don't think he's so bad. Bradley. Okay. I think perfect. I found it. Yes. No, Bradley. Bradley. Okay, Ben. अपने style में fans को क्या कहेंगे? Style में मैं तो बिल्ले. हाँ. अपने style में. So guys. Alright, this is me, Jay Ben. Alright. Okay, ऐसे करो. हाँ वैसा. Yes. बोले ना तेरा style. क्या दिक्कत है? ना ना बड़ा. हाँ लेकिन मेरे कितने देखो मैं वीडियो भी करती हूँ मैं वीडियो भी करती हूँ कितना लगी मैं कितनी चाय लिखाऊँ आज भी तो वीजे चलो What's up, people? This is Vijay Vinash on the side, and I have Suyash, Starboy LLC, aka Lokesh Kumar, with me, and a lovely interview. What is your name? Anam with me, who knows एकदम शुद्ध हिंदी जो हमें सीखनी चाहिए इनसे हमें आती है तुम अपनी बात करो और ignoring सुयश राय मैं आपको बोल रही थी आपको कि please check out our Facebook live thank you for all the love you guys have given to Bob Marley we're very very grateful to you and keep showering on your love because we are worth it and we've done a very very good job and we worked very hard so please shower all your love keep it on sharing keep it on musically
promote it everywhere. Musically challenge you करनी चाहिए. Musically challenge hashtag dance on with dance on Bob Marley. Dance on Bob Marley and send it to us. We'll post it. Yeah. LSC अपने style में. अरे check. All right. So you guys are giving awesome support. मतलब end करा रहे हो. हवा अब आ रही है अंधेरी. सुबह उठते हैं तो पता लग गया था कि हाँ गाना कहाँ कहाँ बज रहा है. Thank you so much. ऐसे ही share करते रहो. Yeah. Class. Thank you so much, guys. Thank you. मतलब. Thank you. So मैं भी क्या? आपके style में. ये same ही है. मिला वाला थोड़ा बहुत. अद्दा बोना बट गाइस थैंक यू सो मच. आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस गाने को जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार मिल रहा है. सो थैंक यू, कीप डूइंग दैट. और तब तक सुनाएंगे जब जब हर घर में नहीं बजेगा. जैसा हमने जैसा टैग था कि सिर्फ एक बार ही सुनाएंगे, आदत खुद आदत अपने आप पड़ जाएगी. एंड वो होगा. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. तो दोस्तों ये थे हमारे साथ बेन, सुयश एंड एलओसी. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फिल्मी मंत्रा ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. टिल